और जितना माइलेज मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट अपनी गाड़ी के लिए मंगाया जो कि इसके माइलेज को बूस्ट कर रहा है। और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि गवर्नमेंट लैब में ये टेस्टेड है और पूरी तरह से पास है। हमको ये जो प्रोडक्ट जिन्होंने भेजा था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप वीडियो मत बनाइए, आप इसको यूज कीजिए केवल। तो इसको दोस्तों मैंने 2 से 2.5 महीने टेस्ट किया है। इस तरह की मेरे पास 6 बोतल थी, ये लास्ट बोतल बची है। और टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट था वो मेरी सोच के बिल्कुल अपोजिट था। तो ये 100% दोस्तों वर्क कर रहा है। आपकी गाड़ी का जो पिकअप है ना, वो पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मैं चाहता तो इसका रिव्यू नहीं करता, चूँकि उन्होंने केवल टेस्टिंग के लिए मुझे भेजा है ये। और टेस्ट करने के बाद ही उन्होंने कहा कि आपको लगे तो वीडियो बनाना। और मैं भी चाहूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, उनको एकदम जेन्युइन रिव्यू दूँ और उनके साथ कोई धोखा ना करूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज देती है, और जितना माइलेज मैं बताता हूँ दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करते हैं। बहुत सारे जो ब्रेजा ओनर हैं वो ये कहते हैं कि इतना माइलेज नहीं देती। अब मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये आपकी ड्राइविंग हैबिट और फ्यूल की क्वालिटी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों मैंने जब गाड़ी ली थी, उस दौरान मैंने इसको 2 महीने चलाने के बाद एक ऐसा प्रोडक्ट अपनी गाड़ी के लिए मंगाया जो कि इसके माइलेज को बूस्ट कर रहा है। अब आप कहेंगे कि इस तरह के वीडियो तो हमने यूट्यूब पर बहुत देखे हैं, और मैंने भी दोस्तों एक प्रोडक्ट के बारे में पहले भी वीडियो बनाया था। अभी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा नहीं रहा, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा। ये जो प्रोडक्ट मुझे भेजा गया था, तब मुझे भी विश्वास नहीं था कि वास्तव में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनियाँ कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। लेकिन हमको ये जो प्रोडक्ट जिन्होंने भेजा था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप वीडियो मत बनाइए, आप इसको यूज कीजिए केवल। तो मैंने दोस्तों इस प्रोडक्ट को, ये जो आप देख रहे हैं ना, मिराकुल का माइलेज बूस्टर, ये पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ही तरह की गाड़ियों के लिए आता है। ये छोटी सी कमाल की एक बोतल है। तो इसको दोस्तों मैंने 2 से 2.5 महीने टेस्ट किया है, अच्छे से टेस्ट किया, और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरी बात को सही माने या ना माने, क्योंकि हर कंपनी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करो, बट इनके जो ओनर थे जिन्होंने ये प्रोडक्ट मुझे भेजा, उन्होंने मुझसे कहा कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज कीजिए, वीडियो के बारे में आप बाद में बात करेंगे, आप बाद में बताइए कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं। और बिल्कुल एकदम जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों इस प्रोडक्ट के बारे में, वो 100% सही बता रहा हूँ, कोई भी पेड रिव्यू होने वाला नहीं है ये। तो ये मिराकुल का जो माइलेज बूस्टर है, ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए आता है। तो मैंने जो है दोस्तों केवल पेट्रोल गाड़ी के लिए मंगाया था, अपनी ब्रेजा के लिए मंगाया था। तो ब्रेजा में दोस्तों मैंने इसको 2.5 महीने तक अच्छे से टेस्ट किया, और इस तरह की मेरे पास 6 बोतल थी, ये लास्ट बोतल बची है जो कि पैक्ड है अभी। तो इस तरह की 6 बोतल जो है मुझे मिली थी, तो एक लास्ट बोतल बची है, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस दौरान दोस्तों मैंने इसको अच्छे से जो है टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट था वो मेरी सोच के बिल्कुल अपोजिट था। मैंने खुद भी कई वीडियो में कहा है कि इस तरह के सॉल्यूशन जो होते हैं ये काम नहीं करते, ठीक है, ये सब एक धोखा है, छलावा है, पैसा कमाने का तरीका है। बट इस पेट्रोल बूस्टर की अगर बात करूँ तो ये 100% दोस्तों वर्क कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ अप टू 40% बेटर माइलेज। तो आप सोच रहे हैं कि 40% माइलेज, यानी कि मेरी गाड़ी अगर 10 का माइलेज देती है तो 14 का माइलेज निकालने लगी इसको डालने के बाद। तो ऐसा तो देखो देखो दोस्तों मैं नहीं कहूँगा कि 40% ही माइलेज इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हाँ दोस्तों इससे माइलेज इंक्रीज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितना इंक्रीज हुआ है। मैंने अपनी ब्रेजा में इसको टेस्ट किया, इग्निस में टेस्ट किया। ब्रेजा में दोस्तों इस प्रोडक्ट को डालने के बाद जो माइलेज है वो 15% तक बढ़ चुका है, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। और ये जो माइलेज में बता रहा हूँ, सिटी और हाईवे हर तरह की कंडीशन में, क्योंकि जब भी मैं गाड़ी को ले जाता था हर 20 लीटर में एक बोतल डाल देता था,
तो 20 लीटर में एक बोतल हमको डालनी रहती है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात ये है कि गवर्नमेंट लैब में ये टेस्टेड है और पूरी तरह से पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या बता रहा है, ये कंपनी जब गाड़ी का इंजन बनाती है तो वो उसी तरह से जो है फ्यूल की मात्रा को सेट करती हैं, मैक्सिमम माइलेज निकाल के देती हैं। तो भाई एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आप फ्यूल डलाते हैं, अलग अलग ऑक्टेन का फ्यूल आता है, ठीक है, और अलग अलग तरह का फ्यूल आता है जैसे कि एक्स्ट्रा प्रीमियम, ठीक है, स्पीड। तो ये क्यों अलग अलग तरह का फ्यूल होता है, कुछ तो फ़ायदा होता होगा इसलिए वो थोड़ा सा महंगा रहता है। तो बिल्कुल सही बात है, वो भी काम करता है लेकिन उससे ज़्यादा बेटर ये काम करता है। और इसको डालने के बाद दोस्तों दो तीन चीज़ें और फील होंगी आपको। पहला, आपकी गाड़ी का जो पिकअप है ना वो पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। दूसरा, इंजन की जो स्मूथनेस है ना वो भी बढ़ जाएगी। हालांकि ब्रेजा जैसी गाड़ी में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सही बात है मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसको इग्निस में भी टेस्ट किया है, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, पिकअप भी बढ़ा देता है और साथ में जो माइलेज है वो तो ये बढ़ाता ही है। तो अगर आप इसको डाल के हाईवे पे अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो मुझे लगता है कि 20-25% तक माइलेज ये बढ़ा देगा। और ये बेंगलुरु की कंपनी है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और जैसा कि मैंने कहा ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मैं चाहता तो इसका रिव्यू नहीं करता, चूँकि उन्होंने केवल टेस्टिंग के लिए मुझे भेजा है ये, और टेस्ट करने के बाद ही उन्होंने कहा है कि आपको लगे तो वीडियो बनाना। बिल्कुल जेन्युइनिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको अच्छे से टेस्ट किया है, और मैं भी चाहूँगा कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, उनको एकदम जेन्युइन रिव्यू दूँ और उनके साथ कोई धोखा ना करूँ। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये जो सोल्यूशन है, माइलेज बूस्टर है, इसको आप एक बार मेरे कहने से यूज करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि इसके अंदर जो भी केमिकल का यूज किया गया है इसके बारे में विशेष रूप से कंपनी ने जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इससे आपके वाहन के इंजन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये लैब में टेस्टेड प्रोडक्ट है, इससे माइलेज बढ़ता है, ये कोई प्राइवेट लेबोरेटरी नहीं कह रही है, गवर्नमेंट लेबोरेटरी कह रही है जिसने जो है इसको टेस्ट किया है अच्छे से, तो इससे माइलेज बढ़ता है 100% दोस्तों माइलेज बढ़ेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पर 40% लिखा है तो 40% ही बढ़ेगा, ठीक है ना, हाँ 20-25% माइलेज बढ़ेगा। और ख़ास बात ये है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, अभी मेरे को इसका प्राइस भी नहीं पता है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे अभी प्राइस भी नहीं पता है, इस पर MRP तो जो है 204 रुपये डली हुई है, जो कि 20 लीटर फ्यूल के लिए ये एक पूरी बोतल यूज होती है, लेकिन मुझे लगता है इसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फ्यूल का जो प्राइस उस हिसाब से अगर आप सोच रहे होंगे तो आप सोचेंगे कि अगर 20 लीटर फ्यूल डलवाऊँगा तो 200 रुपये का एक्स्ट्रा ये खर्चा है, तो ऐसा आपको लगेगा, लेकिन जब आपकी गाड़ी माइलेज ज़्यादा देगी ना तो हमारी रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इसको यूज करने का जो तरीका बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आप चाहें तो पूरी एक बोतल 20 लीटर फ्यूल में डाल सकते हैं, या फिर आपकी गाड़ी में बड़ा टैंक है या फिर फुल टैंक कराने के बाद उसी हिसाब से डाल सकते हैं, यदि 50 लीटर का तो 2.5 बोतल में जो है एक बार में डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं 20 लीटर में एक बोतल डालता हूँ, थोड़ा बहुत पेट्रोल एक्स्ट्रा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, डीजल एक्स्ट्रा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ एक कैप भी आता है जिसमें जो है लेवल होता है, अगर आप कम फ्यूल में डालना चाहते हैं तो ये कैप जो है घर पर रह गया, तो कैप से आप नाप के भी डाल सकते हैं। बहुत सारे आपने सोल्यूशन देखे हो उसमें ड्रॉप सिस्टम होता है, तो उसमें जो है सही अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ड्रॉप जो होती है वो किसी में होल बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, तो उससे जो है नाप के आप नहीं डाल सकते, लेकिन इसके साथ जो एक ढक्कन आता है उसमें जो है आप नाप के यूज कर सकते हैं इसको। तो ये जानकारी थी, और थोड़ी बेसिक चीज़ें भी मैं बता दूँ कि जब आप इसको यूज करते हैं तो ट्रिप मीटर को रीसेट कर लें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा जो आपकी गाड़ी की MID है वो एक्चुअल माइलेज दिखाने लगेगी। तो इस चीज़ को एक बार दोस्तों आप मेरे कहने से यूज करके देखिए, फिर आप खुद ही कहेंगे कि इस वास्तव में सर आपने जो चीज़ बताई है, जो प्रोडक्ट ये बताया है, ये कितना कारगर है, और आप जो है मुझे लगता है कि दोबारा जो है ये चीज़ यूज करेंगे। और मैं 5 बोतल यूज कर चुका हूँ, 1 बोतल बची है इसको भी यूज कर लूँगा और फिर और मंगाने वाला हूँ, क्योंकि इससे जो रिफाइनमेंट लेवल है इंजन का मुझे काफ़ी सही फील हो रहा है, साथ में माइलेज तो अच्छा दे ही रही है गाड़ी। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कीजिए कितने का है। और मैं
मेरे कहने पे एक बार इसको यूज करके देखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए है और ना ही कंपनी ने मुझे फोर्स किया है कि ऐसा ऐसा कुछ बोलिए, क्योंकि कंपनी ने सीधे मुझे ये कहा था कि आप जो है केवल इसको यूज कीजिए, आपको अच्छा लगे तभी वीडियो बनाइए, हम कोई जो है आपको फोर्स नहीं कर रहे कि वीडियो बनाइए हमारे लिए या फिर आप पैसे लेके वीडियो बनाइए। तो एक बार इसको यूज कीजिए फिर मुझे आप बताइए कि ये किस तरह से रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक जानकारी थी इस मिराकुल के पेट्रोल माइलेज बूस्टर के बारे में। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तब भी आप इसको मंगवा सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।